हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और आपका एनपीओ का चैप्टर काफी अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने देख लिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने करे थे। उसमें अगर कोई किसी का डाउट है, किसी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, हमने सीखा था कंज्यूमेबल आइटम का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, यानी अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज हम देखने वाले हैं और ज्यादा क्वेश्चन, उसकी और ज्यादा प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो आपके सामने एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26, 2019 एडिशन टीएस ग्रेवल। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं, क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे कम से कम दो बार, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ओके चलिए, तो एक अच्छा सा हाईलाइटर यूज कर लेता हूं मैं ताकि पढ़ने में भी अच्छा लगे। हाँ जी स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन बल्ला स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पर स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कंज्यूम कितना होगा स्पोर्ट्स मटेरियल, वो यहां पर कंप्यूट करना है। ओके लुधियाना। आगे कहते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ओके चलिए उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर। अच्छा यहां पर सबसे पहले आप मुझे बताएंगे करंट ईयर क्या है। करंट ईयर है 17-18। ओके तो करंट ईयर हमारे कौन सा हुआ 17-18। सबसे फर्स्ट आइटम में लिखा है स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर बुक वैल्यू 50,000 और कितने में बेचा है 56,000। जो स्पोर्ट मटेरियल बेचा गया है उसकी बुक वैल्यू, यानी हमारे लिए जो उसकी वैल्यू थी वो 50,000 रुपए थी और उसको 56,000 में सेल कर दिया गया, यानी यहाँ पे एनपीओ का एक प्रॉफिट हुआ 6,000 का। ओके तो एक नया पॉइंट निकल के सामने आ रहा है, ये पॉइंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं करा था। ओके चलो, तो सर कई स्टूडेंट अगर ये पूछ रहे हैं ये वीडियो लेक्चर नंबर कौन सा है, ये वीडियो लेक्चर नंबर है 7। अगर आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर नहीं देखे, यानी कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो वो लोग मेरे सर के ऊपर ही एक आई बटन आपको नजर आएगा। जैसे आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो एक आई बटन आपको दिखेगा, वहां पे जाके आपको लास्ट 6 वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आगे कहता है अमाउंट पे टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। अमाउंट पे किया गया है क्रेडिटर को स्पोर्ट्स मटेरियल का 91,000, ये हमने देखा था क्रेडिटर अकाउंट में। आगे कैश परचेज, स्पोर्ट्स मटेरियल कैश में परचेज करा है 40,000 का। स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च ओपनिंग कितना दिया है 50,000, स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल का। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2017, यानी ओपनिंग क्रेडिटर का बैलेंस दिया 37,000। आगे क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2018, ये क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम एक पॉइंट को छोड़ दें तो बाकी सभी वही आइटम्स हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, उसमें भी ये आइटम सब लगभग सारे आइटम वही थी। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले ये जो फर्स्ट आइटम है इसको मैं अभी छोड़ रहा हूं, इसके लिए हम स्पेशल बात करेंगे, इसको मैं समझाऊंगा आपको। ओके तो ये हमने यहां पे छोड़ दिया, बाकी हम ट्रीट कर लेते हैं। अमाउंट पे टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट पे कितना गया है 91,000, तो 91,000 अमाउंट क्रेडिटर को पे किया गया है। तो चलिए क्रेडिटर अकाउंट में आ जाइए फटाफट से। क्रेडिटर अकाउंट यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेटिंग कर लिया है ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे पेमेंट की गई क्रेडिटर को, एक सेकेंड, 91,000 की, तो हमने लिखा यहाँ पर 91,000। नेक्स्ट उसके बाद कहता है कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कैश में स्पोर्ट मटेरियल खरीदा गया है 40,000 का और वो यहाँ पे आएगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल में 40,000। उसके बाद बात आती है स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2017, तो 31 मार्च 2017 को स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है 50,000 का ओपनिंग 50,000। नेक्स्ट स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2018 55,000, तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल का। आगे कहता है क्रेडिटर, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2017 37,000 के।
ओपनिंग क्रेडिटर 37,000 के दिए गए। उसके बाद आगे कहता है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मेटल एज ऑन 31 मार्च 2018, ये हैं आपके क्लोजिंग क्रेडिटर 45,000। इस क्वेश्चन में एडवांस का कोई बैलेंस नहीं है, इसलिए हम यहां पर फॉर्मेट में आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो यहां पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ था, अगर आता तो मैं यहां पे ट्रांसफर कर देता, लेकिन इस क्वेश्चन में एडवांस के कोई बैलेंस नहीं थे। आगे उसके बाद यहां पर, हाँ जी, ये वाला जो पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट है, इसको हम डील कर लेते हैं। देखो ये मुझे आपको समझाना है, होता क्या है कंज्यूमेबल आइटम में नॉर्मली स्पोर्ट्स मेटेरियल में ही ये पॉइंट आएगा, मेडिसिन या स्टेशनरी में ये पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स कई बार क्या होता है, जो पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल है वो बेच दिया जाता है, यानी सेकेंड हैंड जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो सेल हो सकता है, वो सेल कर दिया जाता है कई बार। तो उसमें होता क्या है, अगर उसकी बुक वैल्यू 50,000 है और उसको 56 में बेचा तो यहां पर एक छोटा सा प्रॉफिट हो गया 6,000 का एनपीओ को। ओके अच्छा, उसके बाद बात करते हैं क्या यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल लॉस भी हो सकता है और नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है। तो तीन सिचुएशन हो सकती है, तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है या नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके तो कैसे हम इसको डील करते हैं जरा देखिए, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यहां पे मैंने जो फॉर्मेट बनाया है मैंने यहां पर दो आइटम ऐड किए हैं, ये देखो जो कि मैंने ग्रीन पेन से लिखी हुई है जिसपे मैंने टिक किया है। ओके मैंने ग्रीन पेन से इनको लिखा है ताकि ये हाईलाइट हो जाए। ओके अगर स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा जाता है तो डेबिट किया जाता है, अगर स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा जाएगा तो क्रेडिट किया जाएगा, बात सिंपल है। तो कितने का बेचा गया यहां पर देखो, कितने का बेचा गया 56,000 का। ओके कितने का सेल किया 56,000 का, तो जितने का अमाउंट का सेल किया जाए वो आपको यहां पर रखना है बाय रिसीट एंड पेमेंट सेल। उसके बाद जो भी उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, देखो बिल्कुल सिंपल बात है, इस चीज को मैं आपको थोड़ा इधर समझा देता हूं। हाँ जी, यहां पर डेबिट साइड में ध्यान से देखना, डेबिट साइड में जो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है वो या तो ओपनिंग स्टॉक में होगा या वो परचेज किया गया होगा, क्रेडिट और कैश जो भी रही हो परचेज किया हो गया हो, तो इन दोनों में से होगा, यानी या तो ओपनिंग स्टॉक में होगा या परचेज किया गया हो। कितने अमाउंट का है वो 50,000 का, तो डेबिट साइड पर वो कितना होगा एड 50,000, और क्रेडिट साइड पर बेचते वक्त हम उसको कितना लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड पर जब हम उसको सेल कर रहे हैं तो हम 50 नहीं लिख रहे हैं, हम उसको लिख रहे हैं 56,000। ओके तो आप खुद देखिए यहां पर 50 है और इस तरफ 56 हो गया, तो ये वाली साइड थोड़ी बड़ी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इसका सेटअप देने के लिए डेबिट पर क्या किया जाएगा, डेबिट पर लिखा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट 6,000, तो ये साइड मैच होगी। ओके ये बिल्कुल ऐसी है जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ट्रेडिंग अकाउंट 11th क्लास में आपने सीखा है। ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी यही तो कॉन्सेप्ट रहता है, वहां पर ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर रहता है, परचेजेस कॉस्ट पर रहती है, मैं नेट परचेजेस मुझे बोलना चाहिए, रिटर्न में हटा देता हूं, मतलब रिटर्न हटाने के बाद नेट परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पर, नेट परचेजेस कॉस्ट पर, डायरेक्ट एक्सपेंस तो होती ही कॉस्ट पर है, उधर क्लोजिंग स्टॉक भी किस पर होता है कॉस्ट पर, लेकिन एक आइटम ऐसी है जो कि कॉस्ट पर नहीं होती, वो है सेल। ओके अगर सेल वहां पर हम सेल ना लिखकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दें तो ये अकाउंट टैली हो जाएगा, ना इसमें प्रॉफिट आएगा ना लॉस आएगा। ओके तो यहां पर जो सेल होती है क्रेडिट साइड पर उसमें क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन एड होता है, इसी वजह से डेबिट साइड पर ग्रोस प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है। ओके तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई हो रहा है, तो यहां पर इसलिए क्या आ जाएगा 6,000। शायद मेरी बात आपको समझ आ गई है, लेकिन अगर अभी भी आपका डाउट है या क्लियर नहीं हो रही है तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, मैं और अच्छे तरीके से और एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके चलिए नेक्स्ट, तो ये वाला जो पॉइंट था हमने डिस्कस कर लिया है, अगर लॉस होगा तो कॉमन सेंस है क्रेडिट साइड पर ही आ जाएगा। ओके और नो प्रॉफिट नो लॉस होगा तो फिर कहीं आएगा ही नहीं, बात सिंपल। उसके बाद हाँ जी, यहां पर आप देखिए ध्यान से, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ये वाली फिगर यहां से निकलेगी। ओके तो यहां से हमें कंप्यूट करना पड़ेगा, इसको आप टोटल कर लीजिए 5 + 1 = 6, 9 + 4
136,000 ओके, तो 136,000 यहां पर आएगा 99 यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहां पर आ जाएगा, ये टोटल कर लीजिए 195 में से आप ये दो फिगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 84। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी कंज्यूम कितना आया 84 ओके। तो चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि यहां पर पूछा गया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना ट्रांसफर किया जाएगा। अब हम करने वाले हैं एक्स्ट्रा काम। सर एक्स्ट्रा काम क्यों कराते हो, हमें बोर क्यों करते हो? बोर नहीं करता हूं। अगर आपने इन चीजों को अभी कर लिया तो बाद में देखना आपको कितना मजा आने वाला है, क्योंकि ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हो, सीख चुके हो, इनकी प्रैक्टिस कर चुके हो ओके। बहुत अच्छा मजा आने वाला है, आप प्लीज करिए, रिक्वेस्ट है प्लीज करिए। तो यहां पर जल्दी से जो भी आइटम हमने यहां पर हर एक आइटम आपको ट्रांसफर करनी है, कोई भी आइटम आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है सर, स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहां पर टिक करता हुआ चला जाऊंगा जो भी आइटम, मैं चलिए ग्रीन कलर यूज कर लेता हूं, टिक करता हुआ चला जाऊंगा जो भी हम पोस्ट करेंगे। सबसे पहले स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग 50,000 कहां जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल मैं SP लिख देता हूं 50,000। एब्रीवेशन अकाउंट्स के पेपर में कभी भी आपको यूज नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड पर 40,000 जाएगा बाई स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000। नेक्स्ट उसके बाद आइटम आ रही है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स फंड, ये क्रेडिट हो चुका है यहां पर 99। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पर 6,000 प्रॉफिट, आप ये भी लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, या फिर आप स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल लिखकर प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल 6,000। उसके बाद डेबिट साइड में सभी आइटम हो चुके हैं, क्रेडिट साइड पर आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 84 स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड 84। नेक्स्ट रिसीट एंड पेमेंट में सेल का अमाउंट 56,000 सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 56,000। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी लिख सकते हैं, और बाय टू स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लिखकर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओके। फिर आगे हम बात कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा 55,000 स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 55,000 ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्रेडिटर में एक साइड से देखो, आप ध्यान से देखो मैंने सभी आइटम ट्रांसफर किए। उसके बाद क्रेडिटर फॉर ये है नहीं, यहां पर होता तो एसेट साइड पर चला जाता। उसके बाद यहां पर रिसीट एंड पेमेंट में 91,000 की पेमेंट की है, तो यहां पर आएगा बाई क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 91,000 की पेमेंट की है, क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो गया। फिर उसके बाद बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस में आएगा क्रेडिट साइड पे क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 45,000। उसके बाद बैलेंस शीट, ये ओपनिंग बैलेंस है 37, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 37,000। फिर उसके बाद ये 99 जा चुका है डेबिट साइड में ऊपर, और उसके बाद ये जो क्लोजिंग एडवांस है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता, लेकिन ये यहां पर अमाउंट नहीं है ओके। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा ओके। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कमेंट वगैरह वैसे आप करते नहीं हो, बहुत ज्यादा कंजूस हो आप लोग, कर दिया करो यार कमेंट, कम से कम
अच्छे कमेंट कर दिया करो, मेरी मोटिवेशन लेवल तो बढ़ा दिया करो थोड़ा सा, उससे क्या होगा और ज्यादा मोटिवेट हो जाऊंगा, और ज्यादा रिचार्ज हो जाऊंगा, और ज्यादा जल्दी जल्दी वीडियो डालूंगा, और ज्यादा इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करूंगा। प्लीज 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 कमेंट कर दिया करो, लाइक एंड शेयर कर दिया करो, रिक्वेस्ट है। ओके चलिए, फिर उसके बाद यहाँ पे और कोई सजेशन हो या कोई अच्छा सा फीडबैक आप दे सकते हो तो प्लीज जरूर सजेस्ट करें, कोई सजेशन आपकी तरफ से हो तो जरूर बताएं। ओके चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैंने ऑलरेडी सारी तैयारियां कर रखी हैं ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम सेव हो। ओके चलिए, एक क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है, हाउ आर द फॉलोइंग, जो हम लोग अभी एक्स्ट्रा काम कर रहे थे उसका फायदा आपको अब मिलने वाला है। चलिए मैं उस पिछले वाले क्वेश्चन में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप मुझे बताइए जरा, अगर क्वेश्चन में आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाए जो हमने एक्स्ट्रा में किया है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट दे दी जाए और आपसे पूछा जाए स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्या आप बना पाएंगे? बताइए बना पाएंगे? हाँ अब बना सकते हैं आप, क्यों? क्योंकि आपने यहां से इन अकाउंट को प्रिपेयर किया है, आपने स्टॉक अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट से ये बनाए हैं, एक्सट्रैक्ट बनाए हैं, इन एक्सट्रैक्ट से आप वो भी बना सकते हैं, यानी रिवर्स में आप जा सकते हैं क्योंकि आपने इनको ऑलरेडी कर रखा है। ओके तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यही काम करने वाले हैं, जरा देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। ओके क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। हाँ जी एक सेकेंड, वही हाईलाइटर यूज कर लेता हूं, करें शुरू जल्दी से स्टार्ट। हाँ अच्छे से रजिस्टर मेंटेन करना, ऐसा ना हो कि रजिस्टर ही ना बना रहे हो, बस ठीक है हाँ वीडियो देख लिया, ठीक है जब मन करा देख लिया, नहीं तो सो गए, आधा अधूरा देख लिया, ऐसे में पढ़ाई नहीं होने वाली, ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके क्योंकि ये है ट्वेल्थ क्लास, इलेवंथ में जो मस्ती मारी है मार ली है, ये ट्वेल्थ क्लास है, यहाँ पे सीरियस हो जाओ। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, टीएस ग्रेवल 2019 एडिशन। जिन लोगों के पास बुक नहीं है प्लीज टेंशन ना ले। हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, इन आइटम्स को कैसे डील करोगे जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट बनाओगे। ओके यहां पे क्या कहते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। ओके इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, इसको बोला जाता है एक्सट्रैक्ट, मतलब एक पार्ट दे दिया है, पूरा कंप्लीट नहीं दिया है, एक छोटा सा उसका जो हमारे लिए जरूरी है रेलिवेंट पार्ट उन्होंने दे दिया है। ये होती है रिसीट साइड और ये होती है पेमेंट साइड। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बुक वैल्यू 20,000, 26,000 का सेल किया गया, 26,000 का सेल किया गया। ओके चलिए उसके बाद यहां पे क्या है, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल यानी पेमेंट की क्रेडिटर की 61, कैश परचेज की है स्पोर्ट्स मटेरियल की 10,000। अब मुझे नहीं पता ये आइटम कहां पे आएंगी, आप ही बताओगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, 31st March 2018 और एज एट 31st March 2019 यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिए गए हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल का दिया है ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर का दिया है ओपनिंग क्लोजिंग। ओके तो जल्दी से हम लोग फटाफट से इसको डील कर लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से बनाते हैं। आइए जरा सबसे पहले कहते हैं सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 26,000। हाँ जी बताइए कहां लिखा जाएगा, 26,000 लिखा जाएगा यहां पर, 26,000 क्रेडिट साइड पर, और बुक वैल्यू थी 20,000 तो प्रॉफिट हो गया 6,000 का, तो वो आएगा डेबिट साइड पर। ओके आगे कहता है, चलो ये हमने आइटम कर लिया। उसके बाद कहता है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल पेमेंट, ये साइड कौन सी है, पेमेंट साइड, ये देखो पेमेंट साइड, पेमेंट की गई है क्रेडिटर के लिए, क्रेडिटर को पैसे दिए गए 61,000 के, बताइए कहां पर आएगा। एक सेकेंड ये क्या हो जाता है बार बार। हाँ जी क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया गया है, 61,000। आगे बात करते हैं कैश परचेज फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 10,000 कैश परचेज हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल,
स्टॉक अकाउंट में आ गया। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं ओपनिंग, स्पोर्ट्स मेटल का ओपनिंग है 20, क्लोजिंग है 25। आगे क्रेडिटर का ओपनिंग है 7 एंड क्लोजिंग है 15, 7000 ओपनिंग एंड क्लोजिंग है 15000। ओके देखिए बस हमने कंप्लीट कर लिया, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां पर आपने सबसे पहले करना होता है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल को पैक करना है आपको सबसे पहले, क्योंकि यहां से आपको ये वाली अमाउंट बैलेंस ही फिर निकलेगी। यहां पे 5 + 1 = 6, कैलकुलेशन कर लेना, गलती हो सकती है मेरे से, फिर बाद में मत बोलना। 5 + 1 = 6 और 6 + 1 = 7, 76। 76000 माइनस, तो ये हो गया 69। यहां पर आ जाएगा ये 69000 और ये टोटल आप कर लीजिए 9, यहां पर 9 आएगा, 2 + 1 = 3, 9 + 1 = 159। तो यहां पे कितना रखा जाए ताकि 9 बन जाए, 6 + 5 = 11, 11 = 8, 9 हो गया, 19, 1 बचा, 3 + 2 = 5, तो 10 रखा जाएगा, 108। एक सेकेंड इसका आंसर देखना पड़ेगा कितना रहा है। स्पोर्ट्स मेटल कंज्यूम, ओ माय गॉड 54000 आ रहा है यार, ये क्या हो गया है। एक सेकेंड देखना पड़ेगा कहाँ पे गलती हो गई है। स्पोर्ट्स मेटल कंज्यूम आ रहा है 54000, तो हमारा इतना ज्यादा कैसे आ गया, कहाँ पे हमने गलती कर दी है जरा देख लेते हैं। 26 हमने करेक्ट रखा है, क्रेडिट फॉर स्पोर्ट्स मेटल 61, एक मिनट, पेमेंट की नहीं है 61 भी ओके है। ओ, मेरे को लग रहा है ये हमने ज्यादा गलत तो नहीं, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैश परचेज 10000, ये भी ओके है, और उसके बाद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, 20 और 25, 7 और 15, 7 50, ठीक है, इसको ऐड करना जरा, ये ठीक आ रहा है, ये भी ठीक है, 69 तो ओके है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है भाई, इसको ठीक कर लेते हैं। 20 + 10 = 30 और यहां पर हो जाएगा 99 और 6 = 105। यहां पर ठीक है, अब आ जाएगा ये करेक्ट 54। एक बार इसको देख लेते हैं, 4 + 5 ठीक है, 4 + 5 = 6, अब एकदम ओके आ गया। तो कैलकुलेशन मिस्टेक मैं जो कि पहले ही बोल रहा था आपको, कैलकुलेशन मेरी बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा वीक है, कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, तो मैं कैलकुलेटर से ही करता हूँ, क्योंकि 12th के बाद कैलकुलेटर अलाउ हो जाता है, हर जगह पर कैलकुलेटर अलाउ है, कुछ एग्जाम्स रहते हैं जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो इसलिए आदत खराब हो जाती है। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है, अच्छा यहाँ पर ये वाला एक्स्ट्रा काम तो हमें करना ही नहीं, क्योंकि यही तो दिया हुआ था यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा बना हुआ है, कोई बात नहीं, बना रहने दो। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, बाकी जो कुछ क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो आजकल के जो फैंसी स्टूडेंट है वो देखना पसंद नहीं करते। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन या फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टडी को एंजॉय करते रहिए। ओके बाय।
Okay.